मेरी बहनों, चलो तैयारी करते हैं करवा चौथ की। घर पर कैसे मेकअप करेंगे, बेसिक मेकअप, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बालों को हेयर ड्रायर कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने विंस्टन का हेयर ड्रायर ब्रश लिया हुआ है। इसके अंदर ही हमें हेयर ड्रायर मिल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ अपने बालों में बहुत ज़्यादा ड्रायर, बट हल्का सा माइल्ड सा मैं ज़रूर करती हूँ। पफिनेस थोड़ी सी और वॉल्यूम आ जाती है, बाल बहुत सिल्की लगते हैं। तो देखो जी, ये हो गया। अब तैयारी करते हैं मेकअप की। मेकअप करने से पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, जो कि मैंने हमेशा आपको बोला है। और उसके बाद में हम लगाएंगे कोई भी एक फेशियल ऑयल, फेशियल ऑयल जो हमने प्री मेकअप ऑयल होता है, ठीक है। रीनी का मैंने लगाया है, सारे प्रोडक्ट आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके परचेज कर लेना। ऑयल लगाने के बाद में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। हर चीज को अप्लाई करने के लिए आपने 2 से 3 मिनट का टाइम लेना है। तो मैंने चेहरे के ऊपर लगा लिया है ऑयल, और इन बिटवीन, क्योंकि मेरी आईज थोड़ी सी मुझे पफी पफी लग रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए मैंने वाटरमेलन कूलिंग का ये डॉट एंड की का मैंने ना आईज पैचेस लिए हुए हैं, तो इनको मैं अपनी आंखों पे लगा लेती हूँ। 2 से 3 मिनट इनको लगा के रखूंगी, और जब तक ये ऑयल मेरा सेट हो रहा है, तब तक ये मेरा कूलिंग पैच भी काम करेगा। पैच हटाने के बाद में मैंने अपने चेहरे के ऊपर लगा ली है जी सनस्क्रीन। ये मैंने डॉट एंड की ही की सनस्क्रीन स्टिक ली हुई है, बहुत आसानी से लग जाती है। गर्दन पे भी लगाइएगा, और हर चीज को अप्लाई करने में 2 से 3 मिनट का ब्रेक देके करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी मत करना, वरना मेकअप क्रैकी हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। ओके, तो सनस्क्रीन लगा लिया अच्छे से। देखो इस तरीके की ये स्टिक आपको मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फाउंडेशन। मैं क्या करती हूँ, फाउंडेशन के अंदर ही क्रीम अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये भी मेरी डॉट एंड की ही है, जो कि मैंने ली हुई है, वाटरमेलन बेस की है। अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे, डॉट 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 लगाएंगे, और स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया से टैप 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 करते हुए लगाएंगे। रगड़ना नहीं है, टैप 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 करना है, ठीक है। देखिए जी, अच्छे से सेट हो गया। सेट होने के बाद में मैंने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ा, बिल्कुल भी आपको कहीं से क्रैकी नहीं लग रहा है। अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का जो फेस एंड आई का मेरा पैलेट है, इसमें से, क्योंकि मैंने सूट का जो कलर पहना है उसके साथ में मुझे कॉफी कलर का ही कुछ लेना था, तो मैं आईज के लिए अपना कॉफी कलर, बेसिक कलर लगा रही हूँ। एक्चुअली नॉर्मल, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ। तो आईज के ऊपर आईज ब्रश के साथ में हम मेकअप कर लेते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगाएंगे, जो कि मुझे इसी पैलेट में ही मिल जाता है। साथ में मैंने काजल लगा लिया, जो कि मैंने L18 का लिया हुआ है, और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मेरा ब्राउन कलर का, आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा ब्यूटी का आई स्पार्कल स्केच लाइनर, बहुत आसानी से लग जाता है। अब हम अपने आईब्रोज को सेट करेंगे, जिसके लिए मैंने मार्स का ये पैलेट लिया हुआ है। इसमें आपने एक लाइट शेड और एक डार्क शेड, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से आपने अपनी आईब्रोज को सेट करना है। आईब्रोज को सेट बहुत आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब हम ब्लश लगाएंगे, मैं इसके लिए लिक्विड ब्लश का यूज कर रही हूँ। मैंने स्विस ब्यूटी का ही ब्लश लिया है, जिसमें कि शिया बटर मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को पिगमेंट भी दे रहा है, तो बहुत अच्छे से सॉफ्टली लग गया। देखो अच्छे से स्पॉन्ज के साथ में हम इसको टैप 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 करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा ग्लिटर अपने गाल के ऊपर लगाना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेकअप करते वक्त ये चीज़। तो ये भी मुझे मेरे पैलेट किट में ही मिल गई है। अच्छे से नाक के ऊपर भी लगाएंगे, ठुड्डी के ऊपर भी लगाएंगे, और बिंदी लगा के सेट। अब बाकी क्या बचा, सिंदूर बचा। सिंदूर लगाते ही बहुत अच्छा लुक आता है, लेकिन उसके पहले मैं लिपस्टिक लगा लूंगी, क्योंकि सिंदूर सबसे लास्ट में लगाना चाहिए, मुझे बताया गया है। तो लिपस्टिक लगाने के लिए मैंने अपने लिए मंगाई हुई है जी ये लिपस्टिक पेन, इसमें 4 शेड मिल जाते हैं, और साथ में मैं नायका का जो मेरा पैलेट है उसमें से लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब लगा लेते हैं सिंदूर। सिंदूर दानी में से सिंदूर निकाल के लगाना बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये लुक, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं यूज़ में आया है। आपको भी ये चाहिए तो कमेंट में लिख देना लिंक, आपको भी इसके लिंक मिल जाएंगे।